हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की बनी। ये मेरा बेबी है जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी आवाज़ को इग्नोर करें। तो मूंग की दाल की बनी बनाने के लिए हम मार्केट से धुली मूंग की दाल ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे खेत की दाल थी, तो इसलिए मैंने इसलिए छिकले वाली दाल को 24 आवर्स के लिए मैंने इसको फ्लो कर रख दिया था। और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से हाथों से साफ़ करके और 3-4 बार पानी में वॉश करके इसको धो लिया, जिससे इसके जो जितने भी छिकल थे वो पूरे निकल गए हैं। बस थोड़े बहुत ही बचे, तो इतना तो हम इग्नोर कर सकते हैं। दाल जो है मेरी धुलकर कंप्लीट हो गई है। मैंने जीरे को और मेथी को पानी में फ्लो कर रख दिया था और ये अब अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। इसके बाद अदरक और हरी मिर्च मैंने इतनी ली है, तो अदरक को मैं छील लूँगी। अदरक और हरी मिर्च को मैंने वॉश कर लिया। इसके बाद मैंने ये धनिया लिया है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसे कट करके डालूंगी, लेकिन जब कट करने के बाद, वॉश करने के बाद मैंने देखा कि ये इतना अच्छे तरीके से नहीं कटा हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने इसे हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड किया था। अब ये मैंने वॉश करके एक साइड में रख दिया है। और सबसे पहले मैं अदरक और हरी मिर्च को पीस लूँगी और इसका पेस्ट निकाल लूँगी। इसके बाद मैं दाल को पीसूँगी। अदरक हरी मिर्च पीसने के बाद मैंने ये जो जीरा और मेथी फ्लो कर रखा था, इसे भी मैं डालकर पीस लूँगी। अदरक हरी मिर्च और जीरा पीसने के बाद मैंने दाल को पीस लिया। और दाल का पेस्ट कुछ इस तरह से लेना है, इसे ज़्यादा महीन भी नहीं करना है। और इसी तरह से मैं अपना पूरा पेस्ट जो है उसको पीस के तैयार करके रख लूँगी। जब हमारा ये पूरा पेस्ट पिस जाएगा, उसके बाद धनिए को भी मैं हल्का सा मिक्सर में पीस कर इसमें मिक्स कर दूँगी। ये मिक्स करने के बाद ये मैंने हींग ली है, हींग को भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। फिर इसे मिक्स करके करीब 4 से 5 मिनट फेंटना है। जब ये फेंट जाने के बाद थोड़ा सा लेकर हम इसे पानी में डालकर देखेंगे। अगर पानी में ये ऊपर आ जाती है दाल, तो इसका मतलब हमारा ये जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया मैं ऊपर से काट के भी मिक्स कर दूंगी। और फिर इसे दोबारा थोड़ा सा मिक्स करके मैं अपनी बनियों को सूखने के लिए डाल दूंगी।